नमस्कार, मैं हूँ रिया बिपलीवाल और आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। देखिए नीमच जिले की बड़ी खबर। जी हाँ, नीमच की झुग्गियों में रहने वाली 5 बेटियां मुंबई में अपने टैलेंट से सबको झूमने पर मजबूर कर रही हैं। रियलिटी शो डांस दीवाने जूनियर्स में इनका सिलेक्शन हुआ है। बच्चियां नीमच शहर की एकता कॉलोनी से लगी झुग्गी बस्ती में रहती हैं। कई बार इन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन इनका हुनर इन्हें मुंबई ले गया। एक्ट्रेस नोरा फतेही और नीतू सी ने भी इनकी जमकर तारीफ की। कोरियोग्राफर मर्जी पेस्तोनजी ने यहाँ तक कह दिया कि इस मंच से तुम्हारी शुरुआत है, अब तुम्हारे हर सपने पूरे होंगे। देश सहित दुनिया भर में उनके डांस के लोग दीवाने हो गए हैं। झुग्गी में रहने वाली सोफिया अब्बासी, रमीला भूरिया, आशा मैडा, अंजलि सारेल और सपना नीनामा की उम्र 11 से 14 साल के बीच है। सभी बच्चियां पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। सोफिया अब्बासी 11वीं, रमीला भूरिया 8वीं, आशा मैडा 8वीं, अंजलि सारेल 7वीं और सपना नीनामा 3री कक्षा में है। इनकी माएँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती हैं। पिता हाथ ठेला धक्का ने वह मंडी में हम्माली का काम करते हैं। इनमें से एक बच्ची के सिर से पिता का साया उठ चुका है। बिखरे पड़े अनाज को समेटकर बनाती हैं खाना। बेटियों ने डांस शो में बताया कि कई बार एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। कई बार कृषि मंडी में रात को जाकर दिन भर में बिखरे अनाज को समेटती हैं और घर लाती हैं, तब जाकर खाना पकता है। उदय सारेल इनके डांस ट्रेनर भी हैं। उदय डांस के रियलिटी शो में पहले हिस्सा ले चुके हैं। उदय कहते हैं कि बस्ती में ज़्यादातर लोगों के पास गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड भी नहीं है, इस कारण सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता। स्पीकर नहीं है, इसलिए मोबाइल फोन से प्रैक्टिस। शो के दौरान नोरा फतेही ने पूछा कि आपका सिंक बहुत अच्छा है, कैसे? तो उन्होंने बताया कि हमारे पास स्पीकर नहीं है, इसलिए हम मोबाइल फोन से प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने डांस करके दिखाया तो अभिनेत्री नीतू सिंह की आंखें नम हो गई। डांस के बाद नोरा फतेही ने 5 बच्चियों को गले से लगा लिया। नीमच जिले की हर प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।